दोस्तों नमस्कार, मैं रंजन झारखंडी। दोस्तों आज मैं आया हूं यहां पे सिकरी पंचायत में, गांव है जमनी। के बी सहाय जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा आज कपड़े का वितरण हो रहा है, के बीज बांटा जाता है। ये काम करीबन पिछले कई सालों से चल रहा है, 3 सालों से चल रहा है, जो कि आज ये बड़का गाँव में मौका मिला सिकरी पंचायत में बांटने को लेकर के। अभी यहाँ पे आए हैं उनके कुछ पदाधिकारीगण, उनसे मैं बात करूंगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। बताइए सर। देखिए, हम लोग लगातार 3 वर्षों से जो है सो कपड़ा वितरण का चल रहा है, निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का चल रहा है, शुगर मशीन का वितरण का चल रहा है, कोरोना काल में चावल दाल आलू का बिन का करीब है उनको तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिस सहाय के सौजन से जो है केवी सहाय जन कल्याण फाउंडेशन NGO बनाकर और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जरूरतमंदों तक कुछ न कुछ पहुँचाने का वचन है कि चलते रहेंगे। तो आशीष सहाय का निर्णय है कि हम जहाँ तक सकेंगे वो अपने से फंडिंग करते हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। जैसे सर कि अभी आप बोले सिलाई कढ़ाई किलो करके, तो बड़का गांव में भी कुछ इसका कोई प्रोग्राम बनाया है? सिलाई सेंटर हजारीबाग में 2 जगह चल रहा है, खड़ा के पास और एक रोला में चल रहा है। प्रयास है जैसे ग्रुपिंग यहां से लोगों का ग्रुपिंग, तो प्रयास किया जाएगा सिलाई सेंटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर जैसे देखे तो हुड़ुड़ू में भी कुछ बैनर लगा हुआ है। हाँ, तो हुड़ुड़ू में सिलाई सेंटर था, कुछ महिला वहाँ नंबर कलेक्ट करके और उन्हीं को पहुँचाने का चाहते। ठीक है सर। और सर अभी बड़का गांव के बारे में और कुछ सोचे हैं सर? बड़का गांव में देखिए, भैया का निर्णय है कि सबसे पहले जरूरतमंद लोगों को सेवा देने का। हाँ। आगे जो होगा सो देखो। तो मिला, ये कैसा महसूस हो रहा है? जो हो रहा है ठीके हो रहा है, प्रॉब्लम है। आप इनके बारे में के मुख्यमंत्री स्टार्ट हुआ है, अभी जांच करेगा यहाँ। ये है हमारे आशीष सहाय जी, जो की ये के बी सहाय जी का नाती हुए ना, पोता हुए उनका। तो इन्हीं के द्वारा कपड़े का वितरण हो रहा है, सिलाई कढ़ाई हो रहा है, जितने प्रकार की जन सुविधा है चाहिए था। ठीक है, मामला क्या था कि स्कूल साड़ी हो गया महिलाओं में और बच्चों में चप्पल हो गया, जो है हम लोग बैठक करके 4-10 मामला हम लोग लिए बटे का गैप करके। तो उस दिन के बाद हम ये मतलब वादा किए थे कि इस पंचायत में फाउंडेशन में जो भी आएगा उस तरह से लाके हम लोग बांटने का काम किए हैं। तो आज आपको हम बता देते हैं कि उसी दिन का जो वादा किया था उसी को आज आगे बढ़ाते हुए, उसी उद्देश्य से आगे बढ़ाते हुए है आज सिकरी पंचायत में आप लोगों के बीच में श्री आशीष सहाय जी के सौजन्य से केवी सहाय जन कल्याण फाउंडेशन के तहत केवी संघ के तरफ से साथ में इसी प्रकार बैठक करा के कपड़ा हो, शुगर मशीन हो, बिहार का चौथे पूर्व मुख्यमंत्री थे और रेवेन्यू मिनिस्टर, उसको समाप्त करने में केवी सहाय जी का योगदान रहा है। जमींदारी पर था क्या था कि राजा रजवाड़ों के अंदर में जमीन हुआ करता था। ठीक है, उन्हीं को सब सारा तो पूर्ण रूप से मालिकाना हक जो होता है ता के लिए हुआ है। तो ये जो हटाए थे केवी सहाय हटाए थे, दो मजदूरी आप देख रहे हैं किन्हीं के यहाँ काम कर रहे हैं तो काम करते हैं, उसका कोई देखभाल करने वाला झारखंड सचिवालय चल रहा है। वो कंपनी भी केवी सहाय स्थापना किए थे हजारीबाग में, कांग्रेस ऑफिस हो गया, केवी वुमेन्स कॉलेज हो गया, डैम में छड़वा डैम देख रहे हैं उसमें बांध बना के पानी सप्लाई तक का वो काम किए थे। सेनानी का ऐलान करते करते 4 बार जेल भी गए हैं। ये तब मिला है केवी सहाय जी के द्वारा दिया गया है। और आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये किसी कोई सरकारी फंड नहीं है और ना ही कोई कंपनी का है। ठीक, अभी जो है हम लोग क्या है कि कपड़ा में ही सीमित नहीं है, अभी क्या है कि हम लोग हर पंचायत में 5 जेन्युइन समस्या ले रहे हैं, जो हम आवेदन के आधार आवेदन अभी लिख के दीजिएगा आप लोग, उस आवेदन को हम लोग श्री आशीष सहाय जी को दे देंगे, तरह से काम करेंगे। जिसमें क्या है कि पानी बिजली जैसे हो गया, आज का जो समस्या है 5 जेन्युइन समस्या, उस समस्या अपना के देना है। ठीक है, आशीष सहाय जी का मतलब कहना है कि हम हजारीबाग में 10,000 युवा लड़का का संगठन बनाने जा रहे हैं, 10,000 पूरा हजारीबाग में 10,000 युवा संगठन बनाएंगे। उसमें हम चाहते हैं कि सिकरी पंचायत से भी 10-15 सकते हैं अपने स्वेच्छा। ठीक है, वो भी 10 लड़का 20 से 40 का उम्र तक का जो भी है युवा संगठन में रह सकते हैं, वो उससे क्या होगा उससे लेकर के भी बहुत सारा ऐसा विकास किया जाएगा। जैसे मान लिया आपका पंचायत में बहुत सारा ऐसा काम है, ठीक है, तो हर एरिया से आप हमको सॉल्व करने का काम किया जाएगा। लोग क्या कीजिएगा और साइन सिग्नेचर करके जाइएगा तो आपका पंचायत में और भी जो जेन्युइन समस्या है उसको पूरा किया जाएगा।